हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से फेक डोज। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखते हैं और जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। ऐसी ही चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं फेक डोज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद पहले आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फेक डोज का सिलसिला। नंबर वन, क्या एडिडास के जूते के पीछे छिपा है खुफिया मैसेज? हम जिन चीजों को खरीदते हैं उन पर ब्रांड के नाम और उनके लोगो बने रहते हैं। हम इन्हें पहचानते तो अच्छे से हैं, लेकिन शायद ये पता नहीं होता कि आखिर इन लोगों के पीछे का मकसद क्या होता है। लोगों के पसंदीदा स्पोर्ट्स ब्रांड्स में एक नाम एडिडास का भी है। हालांकि शायद ही हम जानते होंगे कि एडिडास का जो लोगो होता है उसमें तीन धारियों का मतलब क्या होता है। दरअसल 1940 से स्पोर्ट्स शूज की दुनिया में नाम कमा रहे एडिडास ने अपने लोगो को कई बार बदला है, लेकिन जो चीज इसमें खास रही वो है इसकी तीन धारियां और ब्रांड का नाम। एक लोगो में तो सिर्फ और सिर्फ तीन धारियां ही बना दी गई, ये पहाड़ की तरह दिखती हैं। ब्रांड्स ने बताया कि इसके पीछे एक सीक्रेट मैसेज है। माउंटेन की तरह दिखने वाला ये लोगो एथलीट्स के सामने आने वाली परेशानियों और उनके कठिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दर्शाता है। नंबर टू, प्लेन में क्यों इतना तेज चलता है एयर कंडीशनर? हवाई जहाज का तापमान पायलट कंट्रोल करते हैं, तो ये तय करते हैं कि केबिन का टेम्परेचर चिलिंग यानी कि सामान्य से ज्यादा ठंडा रहे। यही वजह है कि अगर कोई यात्री कहता भी है कि उसे ठंड लग रही है तो भी वो तापमान को नहीं बढ़ाते। इसके पीछे का एक रीजन और है कि प्लेन में अगर कोई ऐसा यात्री है जो बेहोश हो जाता हो या फिर उसे मोशन सिकनेस या फिर उल्टी आने की दिक्कत हो तो उसे रोका जा सके। तापमान कम होने की वजह से इस तरीके की समस्याएं कम आती हैं। नंबर थ्री, धरती के बीचों बीच स्थित है कौन सा देश? दरअसल घाना वो देश है जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। वैसे हकीकत में देखा जाए तो पृथ्वी का केंद्र कुछ भी नहीं है, वैज्ञानिक इस जगह को काल्पनिक बताते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में जब कोई देश है ही नहीं तो घाना को पृथ्वी के केंद्र में स्थित देश क्यों कहा जाता है। दरअसल पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा पास पर अफ्रीकी महाद्वीप में घाना मौजूद है, इसीलिए इसे पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा पास वाला देश माना जाता है। नंबर फोर, दुनिया की सबसे जहरीली मछली आखिर कौन सी है? नंबर फोर, दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मछली आखिर कौन सी है? स्टोन फिश को दुनिया की सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। पत्थर जैसी इस मछली को अगर कोई छू भी ले तो उसकी जान पर बनाती है। पत्थर सी नजर आने की वजह से इसे लोग पहचान नहीं पाते और इसका शिकार बन जाते हैं। जैसे ही इसके संपर्क में कोई जीव आता है इसके शरीर से निकलने वाले जहर की वजह से मर जाता है। गलती से इसके पर पाव पड़ जाए तो मौत पक्की है। दरअसल स्टोन फिश की बॉडी से न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक विष निकलता है जो लोगों की मौत की वजह बन जाता है। नंबर फाइव, किस देश में 95 साल से पैदा नहीं हुआ एक भी बच्चा? इस दुनिया में अलग अलग तरीके की रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। यहाँ एक ऐसा देश भी है जहाँ काफी अजीबोगरीब तथ्य है। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के सभी धार्मिक नेताओं का ये घर है और यहाँ पोप का शासन है। बावजूद इसके इस देश में कुछ बातें हैरान करने वाली, इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस देश में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस देश का निर्माण 11 फरवरी 1929 को हुआ था। हैरानी की बात है 95 साल बाद भी यहाँ कभी भी एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसके पीछे जो वजह है वो और भी ज्यादा हैरान कर देगी। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। इसे दुनिया के सबसे छोटे देश के तौर पे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के सभी कैथोलिक चर्चों और कैथोलिक ईसाइयों की जड़ें यहीं से निकली हैं। यहाँ कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ कोई डिलीवरी रूम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक प्रसव नहीं होता या होने नहीं दिया जाता है। जब यहाँ कोई महिला गर्भवती हो जाती है और डिलीवरी की डेट नजदीक आ जाती है तो यहाँ के नियमों के मुताबिक उस बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है। फैक्ट डोज में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।